सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यक्तिगत सविनय सत्याग्रह का रूप देकर जब गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी दी तो सारे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई। 4 अगस्त 1933 को गांधी जी को रिहाई के आदेश दिए गए, लेकिन साथ में ये हुक्म भी दिया गया कि वो यरवदा ग्राम छोड़ दें और पुणे में जाकर रहें। गांधी जी ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया और तब उन्हें 1 साल की सजा दे दी गई। गांधी जी ने जेल में रहते हुए अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाने की मांग की, किंतु उसे सरकार ने ठुकरा दिया। 16 अगस्त 1933 को गांधी जी ने अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरने लगा। लगा कि वो इस बार नहीं बचेंगे। ब्रिटिश सरकार गांधी जी की मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 23 अगस्त को उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। उधर 30 अगस्त 1933 को जवाहरलाल नेहरू भी लंबी सजा भुगतने के बाद जेल से छूटे। जेल से रिहा होते ही जवाहरलाल पहले लखनऊ गए, जहां उनकी मां बीमार थीं। कुछ दिनों बाद जब मां की हालत में सुधार होने लगा तो जवाहरलाल ने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया और पुणे के लिए रवाना हो गए। पुणे में गांधी जी से अपनी इस मुलाकात के बारे में जवाहरलाल ने लिखा है, हालांकि वो कमजोर थे लेकिन वो अच्छी रफ्तार से स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। ये साफ जाहिर था कि जीवन, राजनीति और अर्थशास्त्र के हमारे दृष्टिकोणों में काफी फर्क था, लेकिन मैं गांधी जी का कृतज्ञ हूँ कि उनसे जहां तक बना उन्होंने उदारता पूर्वक मेरे दृष्टिकोण के अधिक से अधिक नजदीक आने की कोशिश की। गांधी जी ने जब से जेल से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाया था तब से देश में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। देश के बहुत से नेता अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने में जुट गए थे और बहुत से प्रसिद्ध मंदिर अस्पृश्य कहे जाने वालों के लिए खुल गए थे। केरल के मनंतु पद्मनाभन की इस संबंध में विशेष भूमिका रही है। वो केरल के नायर परिवार में जन्मे थे। बड़े होकर उन्होंने एक वकील के रूप में ख्याति पाई, परंतु वे अपने ही समाज में फैले अंधविश्वास, अत्याचार, पाखंड और आडंबर से दुखी थे। उन्होंने इसे दूर करने के लिए सन 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी बनाई। उन्होंने कहा, मैं नायर समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहूंगा। इस प्रकार के प्रयत्नों में मैं ऐसा कुछ न करूंगा जिससे अन्य समाज के लोगों का अहित हो। पद्मनाभन ने समाज सेवा के प्रति अपने को इस तरह समर्पित कर दिया कि एक दिन भरी सभा में उन्होंने वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी। समाज सेवा के दौरान पद्मनाभन ने देखा कि केरल में जातिगत भेदभाव अपने पूरे जोर पर है। अस्पृश्य कहे जाने वालों को वहां सड़कों पर भी स्वतंत्रता पूर्वक चलने फिरने की अनुमति नहीं है। मंदिरों में प्रवेश करने की बात तो दूर थी। पद्मनाभन को गांधी जी के अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन से बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने केरल के अन्य नेताओं से इस बारे में बातचीत की और अस्पृश्यों की इस दुर्दशा का अंत करने का निश्चय किया। पद्मनाभन ने सबसे पहले नायर सर्विस सोसाइटी के देवी मंदिर में अस्पृश्यों के प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने एक तथाकथित अस्पृश्य को अपने घर में अपने साथ बिठाकर भोजन किया। उनकी धर्मपरायण मां ने उन्हें भोजन परोसा, उसके बाद जूठी थाली भी धोई। इस प्रकार पद्मनाभन ने अस्पृश्यता निवारण की दिशा में स्वयं पहल की। महात्मा गांधी के अनुरोध पर पद्मनाभन और अन्य नेताओं ने वैक्कम के प्रसिद्ध मंदिर के सामने सत्याग्रह शुरू किया। पद्मनाभन के प्रयत्नों के कारण ही त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने बाद में सभी हिंदू धर्मावलंबियों को मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी। केरल के इतिहास की ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। पद्मनाभन अपनी ऐसी ही अनेक सेवाओं के कारण केरल के भीष्म पितामह कहलाए। आपको याद होगा
कि 6 जनवरी 1933 को सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 15 महीने की सजा हुई थी। जेल में वो दमा से पीड़ित हुए और डॉक्टरों की सलाह पर 17 जनवरी 1934 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किंतु उन्हें क्या मालूम था कि जेल से बाहर निकलने पर उन्हें एक दिल दहला देने वाली विभीषिका के दर्शन होंगे और अपनी बीमारी का ख्याल छोड़कर उन्हें रात दिन फिर से जनता की सेवा में जुटना होगा। 15 जनवरी 1934 को बिहार में भयानक भूकंप आया। यूं तो इस भूकंप के झटके कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक में महसूस किए गए थे, किंतु इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और दरभंगा जिलों में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने दौरे में देखा कि हजारों घर बर्बाद हो गए हैं, चारों तरफ खंडर ही खंडर नजर आते हैं। जहां तालाब, नदियां, झीलें थी, वहां रेत के टीले बन गए हैं। अपनी बीमारी की परवाह ना करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए निकल पड़े। उन्हें बाद में कांग्रेस पार्टी की बिहार सहायता समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उधर जवाहरलाल नेहरू भी भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने आए। उन्होंने 10 दिन तक अकेले ही उन ध्वस्त और नष्ट भ्रष्ट इलाकों का दौरा किया। सुबह 5 बजे से आधी रात तक वो चलते रहते। कभी दरारों वाली टूटी फूटी सड़कों से जाना पड़ता तो कभी उन नदियों को पार करना पड़ता जिनके पुल गिर पड़े थे और जमीन पानी में डूब चुकी थी। नेहरू जी के शब्दों में, हमने अनेक हृदय विदारक दृश्य देखे। दौरा करते करते हम लोग बड़े पैमाने पर खंडहर और विध्वंस देखने के आदि से हो चुके थे, किंतु मुंगेर जैसे धन संपन्न नगर की विनाशपूर्ण हालत को देखा तो उसकी भयंकरता से हमारे सिर चकराने लगा और हमें कपकपी सी आने लगी। मैं उस महाभयंकर दृश्य को कभी नहीं भुला सकता। जवाहरलाल नेहरू भूकंप पीड़ित इलाकों में जाने से पहले कलकत्ता भी गए थे। वहां उन्होंने अपने भाषण में सरकार के आतंकवाद की निंदा की। उन्हें उस समय तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जब वो बिहार का दौरा करके इलाहाबाद आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 5 महीने 13 दिन के बाद वो फिर जेल के अंदर बंद कर दिए गए। इस बार उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। 18 और 19 मई 1934 को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा की। इससे बहुत से कांग्रेस जनों में असंतोष की भावना जागी। ये वो लोग थे जिन्होंने जेल में रहकर समाजवादी साहित्य पढ़ा था और उससे प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस तरह सत्याग्रह स्थगित करने का अर्थ है कि गांधी जी का नेतृत्व देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाने में असमर्थ है। इसी कारण कांग्रेस में ही समाजवादी दल का जन्म हुआ। पटना में ही आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें समाजवादी विचारों वाले कांग्रेस जनों ने एक नया दल बनाने का निर्णय लिया। आचार्य नरेंद्र देव में विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी थी। तब वो इलाहाबाद में पढ़ते थे। उन दिनों बंग भंग विरोधी आंदोलन बड़े जोरों पर था। नरेंद्र देव गरम दल के नेताओं, विशेषकर बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। नरेंद्र देव ने सन 1913 में एमए और सन 1915 में वकालत की परीक्षाएं पास की। उन दिनों एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश भर में होम रूल लीग का आंदोलन चलाया था। उससे प्रभावित होकर नरेंद्र देव ने फैजाबाद में होम रूल लीग की स्थापना की थी और वो उसके मंत्री भी चुने गए थे। सन 1921 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से नरेंद्र देव ने वकालत छोड़ दी और काशी विद्यापीठ में आकर अध्यापन करने लगे। सन 1924 में वो विद्यापीठ के अध्यक्ष बने और तभी से उनके नाम के साथ आचार्य की उपाधि जुड़ गई।
काशी विद्यापीठ उन दिनों राष्ट्रीय आंदोलन का अंग था। विद्यापीठ के सभी अध्यापक और छात्र अपने को राष्ट्रीय आंदोलन का सैनिक मानते थे। आचार्य नरेंद्र देव के सहयोगियों में श्रीयुत श्री प्रकाश, डॉक्टर संपूर्णानंद और श्री बीरबल सिंह प्रमुख थे। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस संगठन में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस कारण वो सन 1930, 1931 और 1932 में तीन बार जेल गए। उनके समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर ही उन्हें सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सर्वमान्य नेता चुना गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संगठन में आचार्य नरेंद्र देव के मुख्य सहयोगी बाबू संपूर्णानंद थे। वो भी बंग भंग आंदोलन के समय ही विदेशी शासन के जुल्मों से परेशान होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। संपूर्णानंद जी आरंभ में हिंसात्मक ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, किंतु गांधी जी के प्रभाव को स्वीकार कर लेने के बाद वो पूरी तरह से अहिंसावादी हो गए थे और जेलों में अनेक यातनाएं सही थीं। दूसरी ओर उन्हें आर्थिक कष्ट भी सहने पड़े। अपने परिवार की उपेक्षा करके वो देश सेवा में पूरी तरह तल्लीन हो चुके थे। सन 1923 से वो काशी विद्यापीठ में अध्यापन करने लगे थे। इन्हीं दिनों वो आचार्य नरेंद्र देव के संपर्क में आए। अपने समाजवादी विचारों के कारण वो आचार्य नरेंद्र देव के अभिन्न मित्र बन गए। कांग्रेस में सोशलिस्ट दल की स्थापना की वैचारिक भूमिका तैयार करने में बाबू संपूर्णानंद का विशेष सहयोग था। 26 से 28 अक्टूबर तक सन 1934 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बंबई में हुआ। इसी के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट दल का भी अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बाबू संपूर्णानंद ने की। बंबई के इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो गांधी जी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम एक बार असफल हो सकते हैं, दो बार असफल हो सकते हैं, पर किसी न किसी दिन हम अवश्य सफल होंगे। उनका ये भाषण निश्चय ही उन लोगों के लिए था जो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह स्थगित करने के कारण परेशान थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मुझ में और बहुत से कांग्रेसियों में मतभेद है, इसलिए मुझे कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। किंतु व्यवहारिक तौर पर बाद में भी गांधी जी कांग्रेस में ही बने रहे। गांधी जी से लोगों के मतभेद का एक कारण ये भी था कि सत्याग्रह बिना शर्त वापस लिया गया था। सत्याग्रह बंद होते ही सरकार ने कुछ राजनीतिक कैदी छोड़े, किंतु उनमें क्रांतिकारी कैदी नहीं छूटे और कुछ सत्याग्रही कैदियों को भी पूरी सजा काटनी पड़ी। अनेक क्रांतिकारी कैदी और सत्याग्रही लंबे समय तक जेलों में बंद पड़े रहे। दूसरी ओर कलकत्ते की चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर मुकदमा चलाया गया था और 16 फरवरी को उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी को दी गई कारावास की ये 60वीं सजा थी। जवाहरलाल नेहरू को कलकत्ते की प्रेसिडेंसी जेल से हटाकर अलीपुर जेल ले जाया गया था। 2 बरस की वो सजा उन्हें इसी जेल में भोगनी थी।